हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, दिस इज जय सिंह। आज भी हम बात करेंगे हमारे एब्स के बारे में, हमारे एब्डोमिन मसल ग्रुप के बारे में। एब्स हमारी बॉडी की एक ऐसी मसल है जो देखने में सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है। हर फिटनेस फ्रीक की एक तमन्ना होती है कि उसके वेल डेवलप्ड एब्स हों, वेल डेवलप्ड सिक्स पैक हों। अपने एब्स बनाने के लिए लोग पागलों की तरह डाइटिंग करते हैं, बेतहा मेहनत करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के एब्स नहीं बन पाते हैं। और लोगों के एब्स क्यों नहीं बनते आखिर, उसका सलूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। हमारे एब्डोमिन मसल ग्रुप के बारे में, हमारे एब्स के बारे में लोगों के बीच इंटरनेट पर जितने मिथ्स हैं, जितने कंफ्यूजन है, जितनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, उतनी किसी भी और मसल ग्रुप के बारे में बिल्कुल नहीं है। और इन्हीं सब के चक्करों में फंस कर लोग एब्स बनाने के दौरान फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई हमसे एब्स नहीं बनेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, एब्स बनाना बहुत ही ईजी प्रोसेस होती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा, जो आपसे बनेगा नहीं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, डिसिप्लिन दिखाना है, और जो सबसे ज़रूरी चीज़ आप में होनी चाहिए अगर आप एब्स बनाना चाहते हैं, वह है सब्र, पेशेंस रखना पड़ता है भाई। और वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा एक ट्राइड एंड टेस्टेड एडवांस्ड ऐप बिल्डिंग प्रोग्राम, जिसको फॉलो करके आप अपने ऐप्स को रिवील कर सकते हैं, आप अपने ऐप्स को देख सकते हैं। सो मेक श्योर आप बने रहे इस वीडियो में पूरे लास्ट तक, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने एब्डोमिन मसल ग्रुप के बारे में समझना पड़ेगा। हमें ऐप्स पर काम करने से पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे ऐप्स के अंदर कौन कौन सी मसल होती है, इनकी लोकेशन क्या होती है, इनके मसल फाइबर के ओरिएंटेशन क्या होते हैं, इन मसल्स के फंक्शंस क्या होते हैं, और किस तरह से किन किन एक्सरसाइजों से हम इन मसल्स को ट्रेन करें ताकि हम मन चाहे रिजल्ट्स पा सकें, और वह भी जल्दी से जल्दी। यहाँ पर जो हमारी एब्डोमिन मसल ग्रुप होती है, इसके अंदर 5 अलग अलग मसल्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए हम इस एब्डोमिन मसल ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एंटीरियर एब्डोमिन, एंटीरियर एब्डोमिन कहने का मतलब फ्रंट एब्डोमिन, जो सामने की तरफ से दिखता है। तो इसके अंदर 2 मसल होती हैं, जिसमें से पहली है रेक्टस एब्डोमिनस। रेक्टस एब्डोमिनस तो आप बहुत लोग जानते होंगे इसके बारे में, जो आपके 6 पैक 8 पैक है, उसी को ही हम रेक्टस एब्डोमिनस बोलते हैं। ठीक है, यह इसके जो मसल फाइबर होते हैं इस तरह से वर्टिकल होते हैं। ठीक है, फिर इसमें से दूसरी मसल आती है पायरामीडियालिस। पायरामीडियालिस एक छोटी, बहुत छोटी मसल होती है, जो इस रेक्टस एब्डोमिनस मसल के नीचे प्रेजेंट होती है, हमारे प्यूबिस बोन के पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा जो कैटेगरी है लेटरल एब्डोमेन। लेटरल एब्डोमेन को बहुत लोग लेटरल एब्डोमेन वॉल भी बोलते हैं, तो इसके नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। वॉल कहने का सिंपल से एक मतलब होता है दीवार। दीवार क्या करती है, किसी बाहर की चीज़ से हमको प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पर सिंपली जो हमारी ये तीनों मसल होती हैं, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है, इसलिए इसको लेटरल एब्डोमेन वॉल भी बोलते हैं। तो इस लेटरल एब्डोमेन वॉल के अंदर 3 मसल्स होती हैं, जिसमें से पहली है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस सबसे डीपेस्ट मसल होती है, कहने का मतलब ये सबसे अंदर प्रेजेंट है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन के सबसे करीब प्रेजेंट होती है। और ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एक बेल्ट की तरह होती है, जो हमारे पूरे इस डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर अप करके रखती है। और इसके अगर मसल फाइबर के ओरिएंटेशन देखें तो ये हॉरिजॉन्टल होता है, ट्रांसवर्स कहने का मतलब ही हॉरिजॉन्टल। तो इसके मसल फाइबर इस तरह से होते हैं और ये हमारे कमर को पूरी इस तरह से घेर कर रखते हैं। ठीक है, फिर इस ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है इंटरनल ऑब्लिक मसल की लेयर। ठीक है, यहाँ पर जो इंटरनल ऑब्लिक के मसल फाइबर होते हैं, इसका जो ओरिएंटेशन होता है इस तरह से डायगोनली ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, और फिर इसके ऊपर इंटरनल ऑब्लिक मसल के ऊपर प्रेजेंट होती है हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। तो ये जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल होती है, इनके जो मसल फाइबर होते हैं, इनका ओरिएंटेशन इस तरह से होता है, नीचे की तरफ डायगोनली ये ओरिएंटेड रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लेटरल एब्डोमेन है, ये तीनों लेयर में प्रेजेंट रहती है, पहले ये है, फिर इसके ऊपर ये है, फिर इसके ऊपर ये है। तो यहाँ पर ये जो पूरा हमारा एब्डोमेन मसल ग्रुप होता है, ये एक क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये बहुत स्ट्रांग बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारे रेक्टस एब्डोमिनस मसल के मसल फाइबर है वो इस तरह से जा रहे हैं, जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के मसल फाइबर हैं वो इस तरह से जा रहे हैं, और फिर इंटरनल ऑब्लिक के मसल फाइबर इस तरह से ऊपर जा रहे हैं, और फिर ये एक्सटर्नल ऑब्लिक के इस तरह से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो अगर हम इन सारे मसल फाइबर को कंबाइन करें, एक के ऊपर एक रखेंगे, तो बड़ी ही स्ट्रांग एक वॉल तैयार होती है। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल पहले होती है ट्रांसवर्स, फिर इसके ऊपर से रेक्टस एब्डोमिनस, फिर उसके बाद होती है इंटरनल ऑब्लिक इस तरह से, फिर होते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक। तो देख रहे हैं आप भी कितना क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर बना है, और यही जो स्ट्रक्चर होता है, यह हमारे शरीर के, हमारे इस एब्डोमेन के हिस्से को मजबूती देता है। यहाँ पर इन लेयर्स को समझना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि अगर हम एक क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो लेटरल जो एब्डोमेन वॉल होती है वो उसका अलग क्रॉस सेक्शन दिखता है, और इंटीरियर जो एब्डोमेन होता है उसका अलग क्रॉस सेक्शन दिखता है। इस लेयर के बारे में वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसको समझने से पहले हमें पहले इन 5 मसल्स के बारे में अच्छे से समझ लेना चाहिए, ताकि आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हों। ठीक है, तो
तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टस एब्डोमिनस मसल के बारे में। रेक्टस एब्डोमिनस कहने का मतलब सीधा सा है, जो मसल आपको सामने से दिखती है, जो आपको ये सिक्स पैक एट पैक दिखते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनस मसल, या एक सुपरफिशियल मसल है। कहने का मतलब यह सामने से दिखाई देती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोगों के सिक्स पैक होते हैं, एट पैक होते हैं, ये काफ़ी बड़ी मसल होती है। हमारे चेस्ट एरिया से लेकर हमारे पेल्विस तक कनेक्टेड रहती है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। ये जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल होते हैं, इसके जो मसल फाइबर होते हैं, यह हमारे बॉडी में वर्टिकली ओरिएंटेड होते हैं। कहने का मतलब क्या, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। वहीं अगर हम बात करें हमारे रेक्टस एब्डोमिनस मसल के प्रीडोमिनेंट एक्शन, मेन फंक्शंस के बारे में, तो यह हमारे वर्टिब्रल कॉलम के फ्लेक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। कहने का मतलब इस तरह का जो एक्शन हम परफॉर्म कर पाते हैं, जहां पर हम अपने शरीर को इस तरह से मोड़ पाते हैं, झुका पाते हैं, तो इसी को ही हम बोलते हैं फ्लेक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो यही एक्शन को परफॉर्म करने में हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल हमारी हेल्प करती है। सो यहाँ पर अगर हम इस रेक्टस एब्डोमिनस मसल के ट्रेनिंग के बारे में बात करें, तो ऐसे सारी एक्सरसाइज जहाँ पर हमारे वर्टिब्रल कॉलम का फ्लेक्शन इन्वॉल्व होता है, तो उसके दौरान हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल ट्रेन हो जाती है, एंगेज जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। और इस रेक्टस एब्डोमिनस मसल की जो बेसिक एक्सरसाइज होती है, उनके बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जैसे क्रंचेस हो गया, वी क्रंच हो गए, एलिवेटेड नी क्रंच हो गया। तो ऐसी सारी एक्सरसाइज जहाँ पर आप अपने वर्टिब्रल कॉलम को सामने की तरफ झुकाते हैं, मोड़ते हैं, तो यहाँ पर आपके रेक्टस एब्डोमिनस मसल काम आती है, ट्रेन हो जाती है। यहाँ पर एक खास चीज जो आपके जानने लायक है, जो एक मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग अपनी एब्स ट्रेनिंग के दौरान परफॉर्म करते हैं, वह यह है कि यहाँ पर ये क्रंचेस परफॉर्म करने के दौरान जो डिग्री ऑफ मूवमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये 0 से 90 डिग्री तक चले जाते हैं। कहने का मतलब अगर आप ये लेटे हुए हैं तो आप इस तरह से पूरा उठ जाते हैं। यहाँ पर आपको एक बात जो हमेशा ध्यान में रखनी है, और यह है कि जो आपकी रेक्टस एब्डोमिनस मसल होती है, यह आपके वर्टिब्रल कॉलम को मैक्स टू मैक्स 30 to 45 डिग्री तक ही बेंड कर सकती है। उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपकी रेक्टस एब्डोमिनस मसल एंगेज नहीं रहती, कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रहती, और जो मेन काम आता है 45 डिग्री के बाद, वो आपकी हिप फ्लेक्चर काम करती है, जैसे कि इलियाकस, पोजा, सर्टोरियस, ये मसल्स एक्शन में आ जाती हैं और आपके रेक्टस एब्डोमिनस मसल का एंगेजमेंट कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप क्रंचेस परफॉर्म करें तो आप 0 से 45 डिग्री तक ही मैक्स जाएं। आप 0 से 30 डिग्री जा सकते हैं, 0 से 35 डिग्री तक जा सकते हैं, 0 से 45 डिग्री तक जा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल ना जाएं, कि इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपकी रेक्टस एब्डोमिनस मसल का एंगेजमेंट कम हो जाएगा और आपके हिप फ्लेक्शन मसल्स का एंगेजमेंट बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, जिस काम के लिए आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप एब्स की ट्रेनिंग किस लिए कर रहे हैं, आपने एब्स डेवलप करने के लिए, लेकिन यहां पर आपका एब्स डेवलप नहीं होता अगर आप 45 डिग्री से ऊपर क्रंचेस मारते हैं, क्योंकि यहां पर आपकी हिप फ्लेक्शन ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, वो ज्यादा एंगेज हो जाते हैं, उन पे ज्यादा काम होता है, आपका एब्स का कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है। तो मेक श्योर आप यहां पर इस बात का जरूर ध्यान रखें। यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में, भाई नाप एक ऐसे नाप के थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, तो ये बड़ा सिंपली आप समझ सकते हैं कि 30 to 45 डिग्री मतलब समझ लीजिए इतना इंच आपको ऊपर उठना है जमीन से जब आप क्रंचेस परफॉर्म करते हैं। इसको और आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि जैसे आप जब लेटे हुए हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप लेटे हुए हैं, तो आपके जो ये शोल्डर ब्लेड होते हैं, जो आपके स्कैपुला होते हैं, जमीन से टच है, ठीक है। तो जब आप क्रंचेस परफॉर्म करते हैं तो जैसे ही आप उठते हैं, जो एंड पॉइंट होता है क्रंचेस का, वो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर आपके जो स्कैपुले हैं वो जमीन से बिल्कुल टच ना रहे, ठीक है। जो जब आपके स्कैपुले, जो आपके शोल्डर ब्लेड है, जमीन से बिल्कुल टच नहीं रहेगी, तो वो उतना ही रेंज आता है जहाँ तक आपके रेक्टस एब्डोमिनस मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मतलब 30 to 45 डिग्री के बीच तक आता है, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी मसल आती है हमारे एब्डोमिन मसल ग्रुप की, पैरामीडियालिस। पैरामीडियालिस एक बहुत ही छोटी मसल होती है, ये हमारे रेक्टस एब्डोमिनस मसल के नीचे प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, या आपके प्यूबिस बोन के ऊपर प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे हैं। यह बहुत ही छोटी मसल होती है, इसलिए बहुत सारे जो सर्टिफिकेशन कोर्स कराए जाते हैं, फिटनेस के कोर्सेज कराए जाते हैं, वहां पर इस मसल का जिक्र नहीं होता। वहां पर एब्डोमिन मसल ग्रुप के अंदर 4 ही मसल पढ़ाई जाती है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइए कि 4 मसल पढ़े, 5 मसल पढ़े। तो यहां पर आप सिंपली समझ लीजिए कि हमारी एब्डोमिन मसल ग्रुप में यह पैरामीडियालिस मसल प्रेजेंट होती है, ठीक है, और यह बहुत स्मॉल होती है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने एब्डोमिन मसल ग्रुप की नेक्स्ट मसल के ऊपर, जो कि है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। हमारी जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल होती है, ये डीपेस्ट मसल होती है। कहने का मतलब ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, उनके सबसे करीब होती है। वैसे जो हमारी ये सारी एब्स की मसल होती हैं, ये लेयर्स के फॉर्म में होती है, एक के ऊपर एक होती है। ये कैसी लेयर होती है, मैं इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में आगे, तो मेक श्योर वीडियो में बने रहें, ठीक है, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। यहाँ पर जो हमारे एब्स मसल की जो लेयर्स होती हैं, उसमें जो सबसे नीचे प्रेजेंट होती है
है वो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस ही होती है, ये हमारे स्टमक हमारे इंटेस्टाइन्स के पास होती है, ठीक है। जो हमारी ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल होती है इसका मेन काम होता है कंप्रेसिंग द एब्डोमिनल कंटेंट। कहने का मतलब जो हमारे एब्डोमेन में इंटरनल ऑर्गन्स हैं, स्टमक हो गया इंटेस्टाइन हो गया, इनको इनकी जगह पर बनाए रखने का काम या ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल करती है। ये मेक श्योर करती है कि कोई भी ऑर्गन अपनी जगह से हिले नहीं, बाहर ना निकले, ठीक है। और ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक बेल्ट जैसा होता है। बेल्ट तो आप जानते हैं ना कैसे जो हम बेल्ट पहनते हैं, तो बेल्ट पहनने से क्या होता है कि जो हमारा पेट है वो दबा सा रहता है अंदर, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि यह एक बेल्ट प्रेजेंट है आपके बॉडी के अंदर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को उनकी जगह पर बनाए रखने का काम करती है। जैसे कि आप जानते हैं जो हमारा जिम बेल्ट होता है इस तरह से, तो ये कैसे हमारे कमर को बांध के रखता है, ठीक इसी तरह से हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन को बांध कर रखती है, उनको उनकी जगह से हिलने नहीं देती है, उनको कंप्रेस करके रखती है। और दूसरा मेन फंक्शन जो हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल परफॉर्म करती है कि यह एक रेस्पिरेटरी मसल की तरह काम करती है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि यह हवा को हमारे लंग्स से हमारे स्टमक से फोर्सफुली बाहर निकालने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल जो आपने वो बाबा रामदेव का योगा देखा ना, कपालभाती करते हैं, तो यहाँ पर भी ना आपकी ट्रांसवर्स मसल काम करती है क्योंकि यह हमारे स्टमक को अंदर की तरफ कंप्रेस करती है जिससे क्या होता है हवा बाहर निकलती है, ठीक है। तो इस तरह का फंक्शन परफॉर्म करने के कारण ही हम ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल को एक रेस्पिरेटरी मसल की तरह भी ट्रीट करते हैं। यहाँ पर आपके समझने लायक एक और खास चीज़ है कि जहाँ पर लोग अक्सर गलती करते हैं कि ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल हमारे स्ट्रंग को भी मूव करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल हमारे स्ट्रंग को हमारे इस अपर बॉडी के मूवमेंट में कोई रोल प्ले नहीं करती है। जो मेन फंक्शंस प्ले करती है वो मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा कि आपकी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल ट्रंक मूवमेंट करती है या नहीं करती है, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल की है वह यह है कि यह हमको एक फ्लैट स्टमक मेंटेन करने में बहुत हेल्प करती है। तो यहाँ आप यह बात एक लिख कर ले लीजिए कि अगर आपकी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल कमज़ोर है, वीक है, तो आपका पेट बाहर निकलेगा ही, चाहे आप कुछ भी कर लें, ठीक है, आपकी तोंद आएगी ही अगर आपकी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल कमज़ोर है, क्योंकि यह एक बेल्ट होता है जो आपके अंदर के सिस्टम को कंप्रेस करके रखता है अंदर की तरफ। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भर आपके पेट ना निकले, तो मेश और आपको यहाँ पर अपनी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल को स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा, इसको मजबूत करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर ये मसल कमजोर रह गई तो ये एक गारंटी हो जाती है कि आपका पेट थोड़े दिनों बाद लटक ही जाएगा। सबसे अच्छी बात यहां पर ये है कि इस ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल को स्ट्रेंथन करना, इसको मजबूत बनाना बहुत ही आसान है। आप इवन घर में ही रहकर सारी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। मेनली अगर आप इस ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल को टारगेट करना चाहते हैं तो यहां पर आपको आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहने का मतलब होता है कि ऐसी एक्सरसाइज जहां पर मूवमेंट ना हो लेकिन हमारी मसल फोर्स जनरेट करती है। फॉर एग्जांपल यहां पर आप जो बेस्ट एक्सरसाइज रहेंगी वो हो गया प्लैंक हो गया, ठीक है, साइड प्लैंक हो गया, वैक्यूम हो गया। तो इस तरह की जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो आपकी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल स्ट्रेंथन होगी, मजबूत होगी। अगर मैं आपको एक सिंगल एक्सरसाइज बताना चाहूं जो आप रोज परफॉर्म कर सकते हैं, कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं, कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो वह रहेगी वैक्यूम एक्सरसाइज। वैक्यूम में एक्सरसाइज क्या होती है पहले आप देख लीजिए। यहां पर इस वैक्यूम एक्सरसाइज में क्या होता है कि आपको अपने पेट को अंदर की तरफ खींचना पड़ता है, जो भी पेट के अंदर आपकी हवा है उसको बाहर निकालना पड़ता है। जैसे कि आप इस समय इमेज देख पा रहे होंगे, तो जब आप वैक्यूम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो आपका पेट अंदर की तरफ चपका हुआ होता है, और इस पोजीशन को आप जितना देर आप होल्ड कर सकते हैं उतना देर होल्ड करके रखना है। शुरुआत से आप शुरू कर सकते हैं कि आप पहले 20 सेकंड परफॉर्म करें, फिर धीरे धीरे अपना टाइमिंग बढ़ाते रहें, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, इस तरह से आप अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं। और अगर आप ये रोज परफॉर्म करते हैं, और सबसे बेस्ट टाइम रहेगा सुबह उठिए, खाली पेट वैक्यूम एक्सरसाइज परफॉर्म करिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ आप 5 मिनट भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो भी बहुत है। आपको करना क्या है कि सेट बांध दीजिए, कितने सेट आप करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 20 सेकंड होल्ड किया, फिर उसके बाद 10 सेकंड रेस्ट कीजिए, फिर उसके बाद होल्ड करिए 30 सेकंड, फिर रेस्ट करिए, फिर जितना आपसे हो सके इस तरह से आप सेकंड के हिसाब से होल्ड करिए। हर दिन अपने आप को चैलेंज करिए, तो आप देखेंगे कि विद इन 1 मंथ आपका जो पेट है वो अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, आपको अपने पेट में एक अलग सी टाइटनेस महसूस होगी, ठीक है। तो मेक श्योर आप इस एक्सरसाइज को रोज जरूर परफॉर्म करिए। इवन इसको आप बैठे बैठे भी परफॉर्म कर सकते हैं, ऑफिस में है तो परफॉर्म कर सकते हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो परफॉर्म कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। बस आपको अंदर की तरफ पेट
पेट खींचना है, सांस को रोकना है और उसको पोजीशन को होल्ड करके रखना है। इवन अभी आप वीडियो देखते देखते भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और खास चीज सुनते चाहिए, अगर आपकी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल कमजोर रह गई तो आपको कमर दर्द होने के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपकी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल कमजोर रहती है, वीक रहती है, तो जो एक वर्टिकल प्रेशर आता है, जो हमारे टॉर्चो का जो हम वेट लिफ्ट करते हैं, तो वह ज्यादा प्रेशर आता है आपके वर्टिब्रल कॉलम के इंटर वर्टिब्रल डिस्क पर। और इस एक्स्ट्रा प्रेशर को झेलने कारण आपको बैक पेन हो सकता है। अब आती है चौथी मसल हमारे एब्डोमेन मसल ग्रुप की, जो कि है इंटरनल ऑब्लिक्स। यहाँ पर सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ऑब्लिक क्या होता है। ऑब्लिक मसल हमारे यहाँ साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये दो होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कहने का मतलब ये नीचे प्रेजेंट है। यह इंटरनल ऑब्लिक भी एक मसल की लेयर होती है और हमारे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के ऊपर प्रेजेंट होती है और एक्सटर्नल ऑब्लिक के नीचे प्रेजेंट होती है। और इसके जो मसल फाइबर होते हैं, यह ऊपर की तरफ मूव करते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ऊपर की तरफ इसके मसल फाइबर आते हैं। जैसे कि आप इस समय इंटरनल ऑब्लिक की इमेज देख सकते हैं, देखने में इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, ये सारी मसल एक जैसी दिख रही होंगी, लेकिन ये लेयर वाइज लेयर प्रेजेंट होती है। लेयर्स के बारे में आगे अभी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। हमारी इंटरनल ऑब्लिक मसल का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है इप्सिलैटरल रोटेशन। इप्सिलैटरल रोटेशन कहने का मतलब सेम साइड रोटेट करना है, इसलिए इस मसल को हम सेम साइड रोटेटर मसल बोलते हैं। सेम साइड रोटेट करने का मतलब, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने इस राइट हैंड से अपने राइट लेग को टच करेंगे तो यह एक इप्सिलैटरल रोटेशन हुआ, ठीक है। और यहां पर एक और खास चीज जो इंटरनल ऑब्लिक के बारे में आपको समझने लायक है वह यह है कि जब आप इस तरह से बॉडी को रोटेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी बॉडी को राइट साइड रोटेट कर रहे हैं, तो जब आप राइट साइड अपनी बॉडी को रोटेट करते हैं तो आपकी बॉडी के राइट साइड वाले इंटरनल ऑब्लिक काम आते हैं इस राइट साइड के रोटेशन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। ये समझने में बड़ा आसान सा लग रहा है, लेकिन जब हम एक्सटर्नल ऑब्लिक के बारे में बात करेंगे तो वहां पर जाकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने से बचाने के लिए मैंने ये आपको बताया। अब आते हैं हमारे एब्डोमेन मसल ग्रुप की पांचवी और लास्ट मसल, जो कि है एक्सटर्नल ऑब्लिक। एक्सटर्नल ऑब्लिक हमारे यहां पर प्रेजेंट होती है। यह हमारे लेटरल एब्डोमेन वॉल की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मसल होती है और ये काफी बड़े हिस्से को कवर करती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह हमारे चेस्ट से लेकर साइड से लेकर पेल्विस, ये बहुत रीजन को कवर अप करके रखती है। और एक्सटर्नल ऑब्लिक एक सुपराफिशियल मसल है, कहने का मतलब बाहर से दिखाई देती है। और जो मेन काम हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल परफॉर्म करती है वह है कॉन्ट्रालैटरल रोटेशन। कॉन्ट्रालैटरल रोटेशन कहने का मतलब होता है जब आप अपने इस राइट हैंड से अपने लेफ्ट लेग को टच करेंगे तो इस तरह के मूवमेंट को हम कॉन्ट्रालैटरल रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर हम एक्सटर्नल ऑब्लिक की ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो ऐसी सारी एक्सरसाइज जहां पर आप यह कॉन्ट्रालैटरल रोटेशन परफॉर्म करते हैं, वह सारी एक्सरसाइज आपके एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल को टारगेट करती है, स्ट्रेंथन करती है। फॉर एग्जाम्पल जब हम वुड चॉपर एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो ये आपके एक्सटर्नल ऑब्लिक को टारगेट करती है। जब आप ट्विस्ट परफॉर्म करते हैं, चाहे कोई भी ट्विस्ट हो, चाहे रशियन ट्विस्ट हो, नॉर्मल ट्विस्ट हो, तो ये सब आपके एक्सटर्नल ऑब्लिक को टारगेट करती हैं। और यहाँ पर खास बात एक्सटर्नल ऑब्लिक के बारे में आप समझ लीजिए कि जब आप राइट साइड का रोटेशन परफॉर्म करते हैं तो इस राइट साइड का रोटेशन को परफॉर्म करने में आपकी लेफ्ट साइड वाली एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल काम करती है। मतलब राइट साइड को रोटेट कराने में लेफ्ट साइड वाली एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल हेल्प करती है। और जस्ट इसके अपोजिट अगर आप लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो आपकी राइट साइड वाली एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल आपको लेफ्ट साइड रोटेट कराने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल ऑब्लिक के मसल फाइबर होते हैं वह डायगोनली नीचे की तरफ मूव करते हैं, कहने का मतलब इस तरह से नीचे की तरफ मूव करते हैं, इस तरह से ये नीचे की तरफ मूव करते हैं। ये जस्ट आपके इंटरनल ऑब्लिक के मसल फाइबर के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। और एक्सटर्नल ऑब्लिक के मसल फाइबर के डायरेक्शन को समझना और याद रखना बड़ा आसान है। जैसे आप अपने पॉकेट में इस तरह से हाथ डालते हैं ना, तो हाथ कैसे डालते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में आपके एक्सटर्नल ऑब्लिक के मसल फाइबर मूव करते हैं, तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी इसको। अब बात करते हैं हमारे एब्डोमेन मसल ग्रुप के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होती है उनका लेआउट क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, कैसे ये हमारे बॉडी के अंदर फिट की हुई रहती है। यहाँ पर हमारे एब्डोमिनल की मसल्स हमारे बॉडी के अंदर लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। इसको समझने के लिए हमको इस सेक्शन को दो तरह से डिवाइड करना पड़ेगा, एक सामने से और दूसरा साइड से। कहने का मतलब अगर आप यहाँ पर कट करें सामने से तो कैसी दिखती है मसल, और अगर आप यहाँ पर साइड में कट करें तो कैसी दिखेगी मसल। तो इस तरह से हम अपने एब्स की पूरी मसल को समझ सकते हैं, लेकिन इनको समझने से पहले हमको इन तीन चीजों के बारे में समझना पड़ेगा, जिसमें से पहली है लीनिया अल्बा। यहां पर यह लीनिया अल्बा एक
थिक कॉर्ड होती है, कहने का मतलब एक तरह का टेंडन होता है जो बहुत स्ट्रांग होता है। यह हमारे ज़ाइफॉइड प्रोसेस से हमारे प्यूबिस बोन तक कनेक्टेड रहता है। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, हमारे एब्स के बीच में जो आपको एक वाइट लाइन दिख रही है, यह लीनिया एल्बा होता है, ये बहुत स्ट्रांग होता है। इसी लीनिया एल्बा से हमारी एब्स की अलग अलग मसल आकर चपकी हुई होती है। इस लीनिया एल्बा को आम बोलचाल की भाषा में वाइट लाइन भी बोल देते हैं, क्योंकि जो ये लीनिया एल्बा होता है यह कोलेजन से बना होता है जिसका कलर मेनली वाइट होता है। और यहाँ पर जो मैंने ज़ाइफॉइड प्रोसेस वर्ड बोला, ज़ाइफॉइड प्रोसेस कहने का मतलब होता है जो हमारे ये स्टर्नम होता है जहाँ पर हमारी रिब केज की बोन अटैच होती है, तो इस स्टर्नम का जो सबसे लास्ट हिस्सा होता है उसको हम ज़ाइफॉइड प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, हमारे चेस्ट के पास देखिए जो रेड कलर का डॉट है यह ज़ाइफॉइड प्रोसेस कहलाता है। तो इसी ज़ाइफॉइड प्रोसेस को यह लीनिया एल्बा हमारे प्यूबिस बोन से कनेक्ट करती है। दूसरा चीज आता है यहाँ पर अपोनियोरेसिस। अपोनियोरेसिस क्या होता है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है, यह एक शीट की तरह होता है। शीट कहने का मतलब चादर। तो यहाँ पर जो मसल शीट की तरह होती है, जैसे कि जो ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस हो गए, इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक, ये सब एक शीट की तरह होती है, एक चादर की तरह होती है। तो उन सारी मसल जो एक शीट की तरह होती है उनको एक बड़े एरिया के साथ जोड़ने का काम करती है या अपोनियोरेसिस। अगर हम इस अपोनियोरेसिस के कलर के बारे में बात करें तो इसका जो कलर होता है काफी शाइनी होता है, बोल सकते हैं व्हाइटिश कलर होता है। मेनली व्हाइटिश सिल्वर कलर की अपोनियोरेसिस प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जो आपने अभी तक एब्स की इमेजेस देखी, तो जो बीच में आपको हिस्सा दिख रहा हो, जो पूरा व्हाइटिश शाइनी हिस्सा दिख रहा है, तो वो सारी अपोनियोरेसिस है, ठीक है। और तीसरी चीज आती है यहाँ पर रेक्टस शीथ। रेक्टस शीथ भी एक तरह से आप बोल सकते हैं अपोनियोरेसिस ही होता है, लेकिन जब यह हमारे रेक्टस एब्डोमिनस मसल के ऊपर प्रेजेंट होता है तो इसको हम रेक्टस शीथ बोलते हैं। यहाँ पर जो ऊपर साइड प्रेजेंट है उसको एंटीरियर रेक्टस शीथ बोलते हैं, और जो रेक्टस एब्डोमिनस के नीचे साइड प्रेजेंट है, मतलब ये वाला, तो इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर रेक्टस शीथ, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब हम समझेंगे किस तरह से हमारे एब्स की मसल हमारे बॉडी के अंदर लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर साइड की लेयर, मतलब यहाँ पर अगर आप कट करेंगे तो किस तरह से आपको सेक्शंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो आपके ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन है, वह प्रेजेंट है। उसके जस्ट ऊपर जो मसल की लेयर प्रेजेंट है वह होती है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ठीक है। यह डीपेस्ट मसल होती है, हमारे ऑर्गन के सबसे पास प्रेजेंट होती है। अब इसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है हमारी इंटरनल ऑब्लिक मसल, ठीक है। और फिर इस इंटरनल ऑब्लिक मसल के ऊपर प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। और इन तीनों जो मसल होती है, इनके जो मसल फाइबर होते हैं, इनका ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। जो ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है, इसके मसल फाइबर इस तरह से होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करते हैं। वहीं जो इंटरनल ऑब्लिक है, इसके जो मसल फाइबर हैं वो ऊपर की तरफ डायगोनली ट्रैवल करते हैं, मतलब इस तरह से इनका ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल ऑब्लिक्स हैं उनके जो मसल फाइबर होते हैं वो नीचे की तरह होते हैं, इस तरह से। तो आप देख पा रहे हैं ये एक पूरा क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर बनाता है, और यही स्ट्रक्चर हमारे इस लैटरल एब्डोमिन वॉल को स्ट्रेंथन करता है, मजबूती देता है। और फिर मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है फैट की लेयर। और अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं, हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, और एक हेल्दी रूटीन मेंटेन नहीं करते, तो आपकी जो या फैट की लेयर है वो बढ़ती ही चली जाती है, और फिर क्या होगा, आपके साइड से इधर से चर्बी लटक जाएगी। अब बात करते हैं कि हमारी जो एब्स की मसल होती है वो फ्रंट में किस तरह से होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो ऑर्गन्स है, स्टमक, इंटेस्टाइन, वो है, ठीक है। उसके ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है वो होती है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। ये इस तरह का, जैसे मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन होता है इसका, तो ये पूरा एक बेल्ट तरह का स्ट्रक्चर होती है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल हमारे, जो पूरे पेट को कवर अप करके रखती है, ठीक है। फिर उसके ऊपर प्रेजेंट होती है आपकी रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यह एब्स की तरह जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये आपकी रेक्टस एब्डोमिनस मसल होती है। और यहाँ पर जो ये ऊपर साइड दिख रही है आपको, यह होती है एंटीरियर रेक्टस शीथ, और ये जो नीचे साइड है हमारे रेक्टस एब्डोमिनस मसल की, यह होती है पोस्टीरियर रेक्टस शीथ। यह आगे चल के जो इन मसल्स के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, अपोनियोरेसिस होते हैं, वो आगे चल के जुड़ जाते हैं। इसको अच्छे समझने के लिए हमको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और एक जो वर्टिकल सेक्शन होता है, मतलब ऊपर से कैसे दिखेंगे जोड़ने के बाद, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे यहाँ पर रेक्टस शीट फॉर्म होती है और कैसे इन दोनों मसल की लेयरिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से समझना है इसको। जब आप अपने इस फ्रंट सेक्शन और साइड सेक्शन को दोनों को मिला देते हैं तो इस तरह से कुछ दिखता है। या अगर आप टॉप व्यू से कट करेंगे तो इस तरह से आपको सेक्शन दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके ऊपर सबसे पहले क्या है, यहाँ से लेकर पूरा देखिए, यह आपकी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल की लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ अगर साइड से आप देखेंगे, पहली तो हो गई है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, फिर दूसरी लेयर क्या हो गई यहाँ पर साइड में, इंटरनल ऑब्लिक, और फिर इसके ऊपर प्रेजेंट है अपनी
एक्सटर्नल ऑब्लिक। अब यह जो इंटरनल ऑब्लिक है और एक्सटर्नल ऑब्लिक, यहाँ पर जाकर यह मिल जाती है। एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक के जो अपोनरसेस है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये यहाँ पर जाके मिल जाते हैं और एक शीट फॉर्म करते हैं, ठीक है। और यह अगर शीट नीचे से जा रही है तो यह होती है हमारी पोस्टीरियर रेक्टर शीट, ठीक है। और यह ऊपर से जो जा रही है यह होती है एंटीरियर रेक्टर शीट। और इन्हीं दोनों रेक्टर शीट के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा क्या, रेक्टस एब्डोमिनस मसल, जो आपको ये दिख रही है, ये क्या है, रेक्टस एब्डोमिनस। सो इस तरह का पूरा अरेंजमेंट होता है। और इसके ऊपर से क्या प्रेजेंट होती है, फैट की लेयर, ठीक है। और जब अभी तक मैं बोलता आया हुआ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप हेल्दी रूटीन नहीं फॉलो करते हैं तो ये जो फैट की लेयर है यह बढ़ती ही जाएगी और आपका पेट लटकता ही जाएगा। तो भगवान ने हमारे एब्स को इतना अच्छा, इतना अट्रैक्टिव बना के दिया, इतना अच्छा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है, इसको इस फैट की लेयर से कवर अप मत करिए, अपने एब्स बनाइए, देखिए, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। आई होप आपको हमारी एब्डोमेन मसल किस तरह से लेयर वाइज लेयर हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे जाइए वीडियो में, फिर से देखिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जनरली लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि हमारे जो ये एब्स होते हैं वह इस बिस्किट की तरह क्यों दिखते हैं आखिर, है ना, इनका शेप आखिर ऐसा क्यों दिखता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हमारे रेक्टस एब्डोमिनस मसल के ऊपर कुछ फाइब्रस बैंड प्रेजेंट होते हैं जिनको हम टेंडिनियस इंटरसेक्शन बोलते हैं। इन्हीं की वजह से हमारे यह जो सिक्स पैक है इस तरह से दिखते हैं, इनके बिस्किट तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। तो आप इसको इस तरह से और आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जैसे ये जो हमारे रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, ठीक है, अब ये बीच में है लीनिया अल्बा, ठीक है, और इस रेक्टस एब्डोमिनस मसल के ऊपर प्रेजेंट होती है हमारी ये लेयर, कौन सी लेयर, रेक्टस शीट, ठीक है, एंटीरियर रेक्टस शीट प्रेजेंट होती है। तो इस एंटीरियर रेक्टस शीट के ऊपर ये फाइब्रस बैंड क्रॉस करते हैं इस तरह से, ठीक है, और ये जाके हमारे लीनिया अल्बा जो होती है बीच में यहाँ पर, उससे जाकर अटैच होते हैं, जिसके कारण ही ये हमको हमारे जो एब्स है वो बिस्किट की तरह दिखते हैं। और आमतौर पर ज़्यादातर लोगों के केसेस में देखा जाता है जो उनके रेक्टस एब्डोमिनस मसल के ऊपर या फाइब्रस बैंड या टेंडिनस इंटरसेक्शन प्रेजेंट होते हैं, ये मेनली तीन बैंड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक होता है आपकी ये नाभि के ऊपर प्रेजेंट होता है ये वाला, और फिर उसका एक होता है जो आपके चेस्ट के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, और एक आपके इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है इस तरह से। तो मेनली ज़्यादातर तीन बैंड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो सिक्स पैक है वो ज़्यादा कॉमन है। और कुछ लोगों में ये चार बैंड भी प्रेजेंट हो सकते हैं जिसके कारण उनके एट पैक दिखते हैं, कुछ लोगों में पांच प्रेजेंट हो जाते हैं जिनके कारण उनके टेन पैक्स दिखते हैं। सो ये डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स के ऊपर और अंदर का आपके स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। आपके फोर पैक होंगे, सिक्स पैक होंगे, एट पैक होंगे, टेन पैक होंगे, ये आपके हाथ में नहीं होता। जैसे आपके अंदर मसल प्रेजेंट है वैसा ही स्ट्रक्चर आप रिवील कर सकते हैं अगर आप अपने बॉडी का फैट परसेंटेज डाउन करेंगे। इस पर हमारा बस बिल्कुल नहीं होता कि किसी की बॉडी के अंदर अगर सिक्स पैक है और वो बोले कि हमको एट पैक बनाना है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर उसके बॉडी के अंदर एट पैक प्रेजेंट है तो ही उसके एट पैक बनेंगे जब वो अपने बॉडी का फैट परसेंटेज डाउन करेगा। आई होप आपको ये टेंडिनियस इंटरसेक्शन क्या होता है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको हम टेंडिनियस इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, तो इसके नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। मेनली ये फाइब्रस बैंड होते हैं जो हमारी इस रेक्टस शीट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ही हमको अपने एब्स का इस तरह का जो बिस्किट जैसा स्ट्रक्चर होता है वो देखने को मिलता है। अगर मैं इसको आपको और आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे ये आप एक रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, ये हमारे यहाँ से चेस्ट से पेल्विस तक अटैच है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बीच में हमारे क्या होती है, लीनिया अल्बा कॉर्ड, ठीक है, ये एक थिक कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस साइड हमारी क्या है, लेटरल एब्डोमिन वॉल, मतलब एक्सटर्नल ऑब्लिक से इंटरनल ऑब्लिक है, और फिर उसके जो अपोनरसेस हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक के, इंटरनल ऑब्लिक के, वो इस तरह से आए और फिर यहाँ पे जो रेक्टस शीट फॉर्म हुई जो कवरिंग इसके ऊपर से जा रही है। तो हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल के ऊपर से जो रेक्टस शीट जा रही है उसके ऊपर इस तरह से बैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यही बैंड क्या होते हैं हमारे, टेंडिनियस इंटरसेक्शन, और बीच में ये क्या होती है हमारी, थिक कॉर्ड लीनिया अल्बा, है ना। तो ये इस तरह से ये बिस्किट लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो आप सिक्स पैक देख रहे हैं वो इसी तरह से फॉर्म होते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से आप क्लियर हो गया होगा। सो अभी तक हमने अपने एब्डोमेन मसल ग्रुप के बारे में पूरी तरह से जाना, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे हम अपने एब्स को ट्रेन करें ताकि हम जल्दी से जल्दी और इफेक्टिव रिजल्ट पा सकें। यहाँ पर हम कई सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको ध्यान रखना है जब आप अपनी एब्स की ट्रेनिंग करें। सो यहाँ जो पहला पॉइंट है वह है कॉन्ट्रैक्शन। तो जब भी आप एब्स ट्रेनिंग परफॉर्म करें तो मेक श्योर आप अपने वर्कआउट में ऐसी एक्सरसाइज रखें
जहां पर आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक दोनों तरह के कॉन्ट्रैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक क्या होता है ये मैं अपने वीडियो से पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप सिंपली ये समझ लीजिए, आइसोमेट्रिक मतलब जब आप किसी पोजीशन को होल्ड करते हैं जहां पर हमारी मसल का मूवमेंट नहीं होता लेकिन हमारी मसल फोर्स जनरेट करती है, तो इस तरह की एक्सरसाइजों को हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वाली एक्सरसाइज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लैंक हो गया, साइड प्लैंक हो गया, वैक्यूम हो गया, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के। और सिंपली आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कहने का मतलब ऐसी एक्सरसाइजेज जहां पर आपके मसल का एक्चुअल में मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, यहां पर आपकी मसल मूवमेंट के साथ साथ ही फोर्स जनरेट करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से फ्लेक्शन कर रहा हूं, यहां मेरी बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रही, तो यह क्या हुआ, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और वहीं अगर मैं सिर्फ ऐसे होल्ड करके रखूंगा तो यह क्या हो गया, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एब्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल जब आप क्रंचेस लगाते हैं, नी रेजेस लगाते हैं, लेग रेजेस लगाते हैं, तो ये सब एग्जांपल हुए आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के। तो मेक श्योर जब भी आप अपनी एब्स ट्रेनिंग डिजाइन करें, एब्स ट्रेनिंग परफॉर्म करें, तो वहां पर दोनों तरह की एक्सरसाइज इन्वॉल्व करें जहां पर आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन भी हो और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी हो। तो इस तरह के एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे। दूसरा आता है नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस, आपको कितनी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी चाहिए। यहां पर मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर आप सीरियस हैं और सीरियस होकर अपने एब्स बनाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, इनको रिवील करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका एब्स हमेशा बरकरार रहे, तो जिस दिन भी आप एब्स की ट्रेनिंग करें तो मेक श्योर वहां पर एटलीस्ट कम से कम 6 एक्सरसाइजेस तो परफॉर्म करनी ही चाहिए। और ये भी 6 एक्सरसाइज डिफरेंट होनी चाहिए, जिसमें से 3 एक्सरसाइज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन की होनी चाहिए और 3 एक्सरसाइज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की होनी चाहिए। तो इस तरह की एटलीस्ट 6 एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन आपको रखना है, इससे ज्यादा भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि जो हमारी एब्स की मसल्स हैं वो सारी एक शीट जैसी मसल होती है और काफी बड़ी मसल है, और इनकी जो शीट होती है काफी पतली मसल होती है। ऐसा नहीं होता कि ये बहुत बड़ी हो जाएंगी, इनको आपको अलग अलग डिग्री से, अलग अलग वेरिएशन से, अलग अलग एक्सरसाइज से हर तरह से इनको शॉक देना पड़ता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मेक श्योर आप एटलीस्ट कम से कम 6 डिफरेंट एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें जब भी आप अपनी एब्स की ट्रेनिंग कराएं, अगर आप एब्स बनाने के लिए सीरियस हैं तो। अगर आपके अभी तक एब्स आपने नहीं बनाए हैं और आप चाहते हैं एब्स बनाते, तो यहाँ पर यह बिल्कुल नहीं चलेगा कि आपने वर्कआउट खत्म किया और वर्कआउट खत्म करने के बाद 1-2 एक्सरसाइज के थोड़े से क्रंचेस मार लिए और सोचेंगे कि आपके एब्स आ गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको यहाँ पर वेरिएशन देना पड़ेगा, अलग अलग एक्सरसाइज के कॉम्बिनेशन डालने पड़ेंगे, तभी आप अपने अच्छे एब्स रिवील कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक चीज से बिल्कुल मत डरिए कि आप सोचेंगे कि अगर आप बहुत सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो जो आपके एब्स हैं वो बहुत बड़े हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पर आप कितना भी एक्सरसाइज कर ले, आपके एब्स आपके बाइसेप की तरह कभी नहीं होंगे। आपने आज तक किसी बॉडी बिल्डर के एब्स बहुत थिक नहीं देखे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे एब्डोमेन मसल ग्रुप में जो भी मसल प्रेजेंट है वो एक शीट जैसी मसल है और काफी पतली मसल होती है और लार्ज एरिया को कवर अप करती है, इसलिए बहुत बड़ी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप इनको अच्छे से ट्रेन करेंगे तो ये बहुत स्ट्रांग बनती है, स्ट्रेंथन होती है, और जब ये आपकी कोर की मसल स्ट्रांग होगी तो आपके जो बाकी मूवमेंट है, बाकी एक्सरसाइज जो अपर बॉडी की, लोअर बॉडी की आप परफॉर्म करते हैं, उसमें आपको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी और ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, क्योंकि आपकी जो एब्डोमेन मसल होती है वह एज अ स्टेबलाइजर मसल एंगेज हो जाती है जब भी आप किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तब। तीसरा पॉइंट आता है कॉम्बिनेशन, यहाँ पर आपको अलग अलग एक्शंस को कंबाइन करना है अपनी एब्स ट्रेनिंग के दौरान। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके वर्टिब्रल कॉलम का फ्लेक्शन होना चाहिए, रोटेशन होना चाहिए, यहाँ पर लेटरल फ्लेक्शन होना चाहिए, बॉडी के होल्ड्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम प्लैंक में पोजीशन को होल्ड करते हैं, बोट पोज जो परफॉर्म करते हैं वहाँ पर हम अपनी बॉडी को इस तरह से होल्ड करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे अलग अलग तरह के एक्शंस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जब भी आप एब्स ट्रेनिंग अपनी परफॉर्म करें। तो यहाँ पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि सेम एक्शन की 4 अलग अलग एक्सरसाइज आपने परफॉर्म कर ली। फॉर एग्जांपल लोग क्रंच मारते हैं तो 4 डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्रंच मार लेते हैं और सोचते हैं कि एब्स हो गया, ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि आपके यहाँ पर क्रंचेस मार रहे हैं तो आपके सिर्फ रेक्टस एब्डोमिनस स्ट्रेन हो रहे हैं। यहाँ पर आपके सिर्फ क्रंचेस मारने से आपके ट्रांसवर्स एब्डोमिनस स्ट्रेन नहीं हो रहा है, आपका एक्सटर्नल ऑब्लिक इंटरनल ऑब्लिक ये ट्रेन नहीं हो रहे हैं, और अगर यह ट्रेन नहीं हो रहे तो आपकी जो प्रॉपर एब्डोमिनल मसल ग्रुप है वह ट्रेन नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर एक मसल ओवर ट्रेन हो गई और बाकी मसल अंडर ट्रेन रह गई तो ये क्या करती है, एक मसल इंबैलेंस क्रिएट करती है, जिसके कारण आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी एंड बायोमैकेनिक्स डिस्टर्ब होता है। चौथा है एंगेज एवरी मसल ऑफ एब्डोमेन मसल ग्रुप। जो मैंने अभी आपको बताया कि एब्डोमेन मसल ग्रुप में 5 मसल्स होती हैं जिसमें से 4 मेन मसल है जो बड़ी बड़ी मसल है, तो यहां पर आप मेक श्योर हर मसल के लिए एक एक्सरसाइज कम से कम तो परफॉर्म करें। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सरसाइज रेक्टस एब्डोमिनस के लिए करें, एक एक्सरसाइज ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के लिए करें, एक एक्सटर्नल ऑब्लिक के लिए करें, एक इंटरनल ऑब्लिक के करें। तो यहां पर कम से कम एब्स ट्रेनिंग के दौरान आपको अपने एब्डोमेन मसल ग्रुप की हर एक मसल
कि एक एक एक्सरसाइज कम से कम तो परफॉर्म करनी ही है। पांचवा पॉइंट आता है क्वालिटी ऑफ मूवमेंट। यहाँ पर जो भी आप कॉन्ट्रैक्शंस परफॉर्म करें एब्स ट्रेनिंग के दौरान, तो मेजर हुआ स्लो एंड स्टेडी हो, बड़े आराम से आप रेपिटेशंस परफॉर्म करें। यहाँ पर आप काउंटिंग कर सकते हैं, हर रेपिटेशन आपका एटलीस्ट 5 सेकंड का होना चाहिए। आराम से कॉन्ट्रैक्ट किए, आराम से आए। यहाँ पर आपको कोई रेस नहीं लगानी कितने रेपिटेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक्सरसाइज के दौरान, हर रेपिटेशन के दौरान जो मूवमेंट आप परफॉर्म करें, जो कॉन्ट्रैक्शन आप परफॉर्म करें, वो बड़े ही स्लो होने चाहिए, बड़े आराम से आप परफॉर्म करें। यहाँ पर आपको झटके नहीं देना, आप झटके देंगे तो आपके बैक में इंजरीज होने के चांसेस हो सकते हैं, बैक पेन होने के चांसेस हो सकते हैं। आपको स्लो एंड स्टडी परफॉर्म करना है। हर एक रेपिटेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्शन को फील करिए, अपनी मसल को महसूस करिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। यहाँ पर मैं लोगों को देखता हूँ धड़ाधड़ रेपिटेशन मारते रहते हैं, इससे क्या होता है आपकी मसल प्रॉपर तरीके से एंगेज नहीं होती। जितना टेंशन आपकी मसल में होना चाहिए, जितना कॉन्ट्रैक्ट आपकी मसल होनी चाहिए, उस रेपिटेशन के दौरान उतनी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर आपको अगर एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन चाहिए मसल का, तो मेक श्योर आप यहाँ पर स्लो एंड स्टेडी रेपिटेशंस परफॉर्म करें। तो जब भी आप इस तरह से स्लो एंड स्टेडी रेपिटेशंस परफॉर्म करेंगे, बड़े आराम से परफॉर्म करेंगे, अच्छे से मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होता है आपके बॉडी के अंदर एक अच्छा माइंड एंड मसल कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, जिसके कारण क्या होता है आप मसल को हर एक्सरसाइज के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज कर सकते हैं उस मूवमेंट को परफॉर्म करने में, जो आपके एक अच्छे वर्कआउट और मसल ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। तो मेक श्योर यहाँ पर आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, यहाँ पर आपको क्वालिटी ऑफ मूवमेंट पर फोकस करना है। छठवां पॉइंट है डिग्री ऑफ मूवमेंट। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी एब्डोमिनल मसल की, जो अलग अलग मसल्स आप ट्रेन कर रहे हैं, उनके डिग्री ऑफ मूवमेंट क्या है, वो कहाँ तक एंगेज रहती हैं और किसके ऊपर एंगेज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने रेक्टस एब्डोमिनस मसल में आपको बताया था कि जो हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल होती है वो मैक्स टू मैक्स 0 से 30 या 45 डिग्री तक ही जाती है। अगर उसके ऊपर आप बेंडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपकी हिप फ्लेक्चर ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, ना कि आपकी रेक्टस एब्डोमिनस मसल एंगेज होती है। तो मेक श्योर यहाँ पर आपको अपने माइंड में रखना है डिग्री ऑफ मूवमेंट जब भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करें, ताकि आप अननेसेसरी एक्सरसाइज ना परफॉर्म करें, अननेसेसरी एफर्ट्स ना लगाएं, अननेसेसरी आप टाइम अपना वेस्ट ना करें, ठीक है। सातवां पॉइंट, एक क्वेश्चन आता है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हमको एब्स डेली ट्रेन करना चाहिए या फिर हमको डेली एब्स नहीं ट्रेन करना चाहिए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, तो यहाँ पर दो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन कि क्या हमको डेली एब्स ट्रेन करना चाहिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा, मेरी तरफ से तो ना है, आपको डेली एब्स ट्रेन नहीं करना चाहिए। तो जब मैं ना बोलता हूँ तो लोग पूछते हैं कि तो फिर कितने दिन हफ्ते में एब्स ट्रेन करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि आप हफ्ते में अगर 2 से 3 दिन भी एब्स को सॉलिड ट्रेनिंग दे रहे हो, तो ये एब्स के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा एब्स को ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब भी आप हैवी लिफ्टिंग करते हैं, जैसे कि आप स्क्वाट लगाते हैं, हैंक स्क्वाट लगाते हैं, मिलिट्री प्रेस लगाते हैं, पुश प्रेस लगाते हैं, अपने शोल्डर डंबल प्रेस लगाते हैं और डेडलिफ्ट लगाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज जहाँ पर आप इस तरह के मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, हैवी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, ओवरहेड मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर आपकी एब्स की मसल इनडायरेक्टली एज अ स्टेबलाइजर मसल एंगेज हो जाती है। तो एब्स ऐसी मसल होती है कि जो इनडायरेक्टली हर एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाती है, तो इसको आपको बहुत ज़्यादा ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप रोज इसको ट्रेन करें, ठीक है। तो आइडियली यही है कि अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दिन भी एब्स की सॉलिड ट्रेनिंग, जबरदस्त ट्रेनिंग करते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन से ट्रेनिंग करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव रहेगी और बेस्ट रहेगी, इतना ही आपको करना चाहिए। और यहाँ पर जो दूसरे पार्ट का क्वेश्चन आता है, क्या हम डेली एब्स ट्रेन कर सकते हैं। बहुत लोग होते हैं जिनको डेली एब्स ट्रेन करने का मन करता है, कि वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस एब्स पर करें, तो यहाँ पर मेरा आंसर है कि हाँ, आप डेली एब्स ट्रेन कर सकते हो। और इसका रीज़न यह है कि जो हमारी एब्स की मसल होती है, ये काफ़ी बड़े एरिया में फैली होती है, और इसकी जो शीट होती है वो काफ़ी पतली होती है, ये बहुत थिक मसल नहीं होती, ये पतली मसल होती है, ठीक है। और एब्स ट्रेनिंग के दौरान ज़्यादातर हम बॉडी वेट एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट यूज़ नहीं करते। तो जब भी हम बहुत ज़्यादा वेट यूज़ नहीं करते हैं, तो क्या होता है आपकी जो मसल की टियरिंग होती है वह बहुत कम होती है, और जब मसल की टियरिंग कम होती है, तो जब आप घर जाते हैं, रेस्ट लेते हैं, अगर आप 6 से 8 घंटे भी नींद लेते हैं अच्छे आराम से, तो आपकी जो एब्स की मसल है वो रिकवर हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है आप हर दिन एब्स को ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का जो ध्यान रखना है कि डिफरेंट तरह की एक्सरसाइज से ट्रेन करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मंडे ट्रेन कर रहे हैं, तो मेक श्योर यहाँ पर आप आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करें। फिर नेक्स्ट डे जब आप ट्यूसडे ट्रेन करने जाएं, तो मेक श्योर यहाँ पर आप आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वाली एक्सरसाइज बिल्कुल परफॉर्म ना करें, और मेनली आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करें, ठीक है। तो इस तरह से
आप वेरिएशन कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे तरह से वेरिएशन कर सकते हैं कि एक दिन आप सिर्फ आप अपने फ्रंट एब्डोमिनल को ट्रेन करें, जैसे रेक्टस एब्डोमिनल्स को ट्रेन करें, और नेक्स्ट डे जब आप जाएं तो मेक श्योर आप सिर्फ साइड की एक्सरसाइज करें। तो इस तरह से आप ट्रेनिंग में वेरिएशन करके अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप अपने एब्स को डेली ट्रेन करना चाहते हैं। तो यहाँ इस चीज़ का क्लियर कट आंसर है कि क्या हमको डेली एब्स ट्रेन करना चाहिए, तो करना चाहिए का आंसर है नो। कितने दिन कर सकते हैं? हफ्ते में 2 से 3 दिन कर सकते हैं। और दूसरा, क्या एब्स डेली ट्रेन कर सकते हैं? कर सकते का आंसर है यस, हाँ कर सकते हैं। मतलब चाहिए, एब्स ट्रेनिंग करना चाहिए नो, और कर सकते हैं यस। लेकिन जो मैंने आपको रीज़न बताया और किस तरह से आपको परफॉर्म करना है, उन बातों का ध्यान रखें, ठीक है। तो आज के बाद इस चीज़ पे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। 8th पॉइंट आता है, क्या हमको एब्स ट्रेनिंग के दौरान एक्सटर्नल वेट्स का यूज़ करना चाहिए या फिर बॉडी वेट एक्सरसाइज परफॉर्म करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ज़्यादातर जो एब्स की एक्सरसाइज होती है वो बॉडी वेट एक्सरसाइज होती है, लेकिन अगर आपको अच्छे एब्स चाहिए, एक थिक एब्स चाहिए, तो मेक श्योर आप यहाँ पर वेट्स का यूज़ करें, ताकि आप अपने एब ट्रेनिंग के दौरान अपने एब्स को ज़्यादा चैलेंज कर सकें, शॉक कर सकें, इन पे ज़्यादा प्रेशर डाल सकें। और यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूँ कि आप यहाँ पर इस बात से मत घबराइए कि जब आप एक्सटर्नल वेट्स का यूज़ करेंगे अपने एब्स ट्रेनिंग के दौरान, तो आपके एब्स बहुत बड़े हो जाएंगे। एब्स ऐसी मसल होती है जो कि एक क्लियर वाइज होती है, तो इनका नेचर ही ऐसा होता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। आपने भी कभी किसी के बहुत ज़्यादा बड़े एब्स नहीं देखे होंगे, बहुत थिक एब्स नहीं होते। कोई कितना बड़ा भी बॉडी बिल्डर हो, उनके जो एब्स के साइज़ होते हैं वो नॉर्मली होती हैं। तो जब आप एक्सटर्नल वेट की मदद से ट्रेन करते हैं एब्स को, तो यहाँ पर आपके एब्स थोड़े से थिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं आती, लेकिन इतनी थिकनेस आ जाती कि आपका जब बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा भी होगा, तब भी आपके एब्स विजिबली दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर मैं कुछ एग्जांपल के बारे में बात करूं, तो फॉर एग्जांपल जब आप प्लैंक एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, तो मेक श्योर आप 5 किलो 10 किलो 20 किलो का प्लेट अपने ऊपर रख लें, ताकि आपको ज़्यादा चैलेंज महसूस हो। या तो फिर जब आप नी रेजेस लगाते हैं, तो मेक श्योर आप 5 किलो 10 किलो का डंबल अपने पैरों के बीच फंसा लें, फिर उसके बाद नी रेजेस लगाएं, हैंगिंग नी रेजेस लगाएं। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि आप अपने एब्स की मसल को इनफ चैलेंज दे सकें। और एब्स ट्रेनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में जितना भी बोलो बहुत कम है। यहाँ पर इतने सारे पॉइंट्स हैं, अगर मैं बताने बैठूंगा तो कई घंटे निकल जाएंगे, वैसे भी वीडियो बहुत बड़ा हो गया। अब बात करते हैं डाइट की। तो यहाँ पर डाइट में आपको जो सबसे मेन चीज़ ध्यान रखनी है, वह यह है कि यहाँ पर आपको ऐसी डाइट लेनी है कि आपका बॉडी का फैट परसेंटेज नीचे आए। अगर जब आपका बॉडी का फैट परसेंटेज नीचे आएगा, तभी आपके एब्स विजुअल होंगे। तो मेक श्योर यहाँ पर आपकी जितनी बॉडी मेंटेनेंस कैलरी है उसके नीचे ही रही है। आपको हमेशा कैलरी डेफिशिएंट में रहना है जब आप अपने एब्स को रिवील करने जाएं, जब आप अपने एब्स को बनाने जाएं। बॉडी मेंटेनेंस कैलरी कहने का मतलब सिंपली यह होता है कि जितनी आपका जैसा अभी शरीर है, इसी शरीर को मेंटेन रखने के लिए कितनी कैलरीज डेली आपको चाहिए, वही होती है बॉडी मेंटेनेंस कैलरी। फॉर एग्जांपल अगर आपको 2500 डेली कैलरीज चाहिए होता है, जैसा आपका शरीर अभी है वैसा ही मेंटेन करने के लिए, तो अगर आप एब्स बनाने जा रहे हैं, एब्स ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, तो मेक श्योर आप जो आपकी कैलरीज हैं उसको थोड़ा सा कम करें, 2500 से नीचे लाएं, 2400 लाएं, 2300 लाएं, 2200 लाएं, 2000 लाएं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक कैलरी डेफिशिएट क्रिएट करना है, तभी आप अपने बॉडी का फैट परसेंटेज नीचे ला सकते हैं। और जब आपका बॉडी का फैट परसेंटेज नीचे आएगा, तभी आपके एब्स दिखाई देना स्टार्ट होंगे। यहाँ पर अगर आप सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज तक आ जाते हैं, तो यह गारंटी हो जाती है कि आपके एब्स बहुत अच्छे दिखेंगे और बहुत शार्प दिखेंगे। और आपको यहाँ पर एग्जैक्टली क्या चीज़ खानी है, कितनी मात्रा में खानी है, कब खानी है, इसके लिए मैंने पूरा एक डाइट प्लान 12 वीक्स का तैयार किया है, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यह पूरा एक एडवांस एब्स बिल्डिंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर आपको 12 वीक्स की डाइट मिलेगी और 12 वीक्स का वर्कआउट प्लान मिलेगा। इस प्लान के अंदर बेस्ट से बेस्ट एक्सरसाइज का कॉम्बो है और बेस्ट प्लान डाइट है, जो आपके बॉडी के फैट परसेंटेज को नीचे लाने में आपकी बहुत मदद करेगी। सो अगर आप अपने एब्स को बनाना चाहते हैं, अपने टमी को कम करना चाहते हैं, अपने बॉडी फैट परसेंटेज को नीचे लाना चाहते हैं, तो मेक श्योर इस प्लान को जरूर डाउनलोड करें। यह प्लान मैन के लिए भी है, वुमेन के लिए भी है, और यहाँ पर खास बात, इसको आप घर में ही परफॉर्म कर सकते हैं। यह प्लान ट्राइड एंड टेस्टेड है और मेरे सैकड़ों क्लाइंट्स को इससे बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं। सो मेक श्योर आप इस एडवांस एप्स बिल्डिंग प्रोग्राम को अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करें और अपने एप्स बनाइए, शर्टलेस फोटो खिंचवाइए और सोशल मीडिया पर छा जाइए। सो आज की वीडियो में इतना ही। वैसे वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो मेक श्योर आप वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करें। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत हौसला मिलता है कि इसी तरह की डेप्थ इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस में आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय। जय हिंद।